उत्तराखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री बलिया उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान सवाल के जवाब में कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और ये पहली मर्तबा नहीं है, हम सब जानते हैं। मैं आपको गिनवाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब कब महात्मा गांधी जी के हत्यारे को सुशोभित करने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनका हमने वीडियो में भी दिखाया, उन्होंने कहा कि भैया नाथूराम गोडसे देशभक्त था, है और रहेगा। और मोदी जी ने 2019 के दौरान कहा कि मैं इनको बिल्कुल मन से अपने माफ नहीं कर सकता हूं। अगर आपकी बात में वजन होता, अगर आपकी बात में सच्चाई होती, तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की कि वो दोबारा ये बात बोल सके। अमित शाह जी ने, हमने वीडियो में भी दिखाया, महात्मा गांधी को कहा कि ये तो चतुर बनिया था। उन्होंने देश के जो राष्ट्रपिता हैं, उनके लिए कहा कि भैया ये तो चतुर बनिया था। और इन्हीं के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट में कहा कि एक्चुअली में देश के राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। असम के भाजपा के सांसद कामाख्या प्रसाद ने कहा कि इनकी विचारधारा तो कचरे के समान है। अनंत हेगड़े भाजपा नेता ने बापू के स्वतंत्रता के पूरे संग्राम को ही ड्रामा बताया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भारत देश में राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कहना खाली राष्ट्रपिता का ही अपमान नहीं है, इस राष्ट्र का भी अपमान है। और मोदी जी विदेश में जाते हैं तो गांधी जी की उन्हें याद आ जाती है, गांधी जी के बारे में बात करने लगते हैं, गांधी जी की फोटो पे फूल चढ़ाने लगते हैं। बार बार जब उन्हें विचारधारा की जरूरत पड़ती है तब वो गांधी जी को याद करते हैं। लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, जो 4 साल एक प्रदेश का मुखिया रहा हो, वो ओपनली ये बात कह रहा है, ये क्या मजाक है? हम ये चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए भारत देश में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन बंद होना चाहिए।